शिखर जी प्रकरण का विरोध पूरे देश में फैल चुका है। मध्य प्रदेश के सागर में हमारे पास विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सागर जैन समाज के बैनर तले एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों पुरुषों एवं महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। श्री संवेद शिखर पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सागर में भी हजारों की संख्या में सकल जैन समाज की ओर से विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें समाज के हर वर्ग ने विरोध प्रदर्शन कर सामाजिक एकता का परिचय दिया। वहाँ पर लोग शराब पी रहे, खुल के नॉन वेज खा रहे, जो कि किसी भी कीमत पर जैन समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, जिसको भी जाना है वो अगर अपने नियम पूर्ण रूप से नियम और कायदे में जाए तो उसके लिए स्वीकार है, लेकिन पवित्रता के साथ रहना पड़ेगा। और ये जो आज कैंडल मार्च पुनः आज निकल रहा है, सभी जगह निकाला जा रहा है, ये फिर इसी बात के लिए लेकर कि शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी हो और संवेद शिखर पवित्र स्थल घोषित। शिखर जी को लेकर के सागर नहीं पूरे भारत बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जैन समाज है वहाँ पर लगातार इस प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं। जैन समाज शांति पूर्वक आंदोलन करता है। आज भी हम लोगों ने सागर नगर में यह कैंडल मार्च निकाला है और केंद्र सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि तत्काल उस निर्णय को बदल दें जिससे हम जैन समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। यदि जब तक सरकार नहीं बदलेगी जैन समाज इस आंदोलन को जारी रखेगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज केंद्र जुलूस है, कल इसके बाद धरना प्रदर्शन है, फिर शहर बंद होगा, फिर बड़ा जुलूस होगा। शहर के गणमान्य लोगों ने भी इस मार्च में भाग लेकर केंद्र सरकार तथा झारखंड सरकार के विरोध में नारे लगाए। यह प्रदर्शन सागर जैन पंचायत के नेतृत्व में हुआ। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।